7 बज गए, आज मेरे कॉलेज के लिए देर हो गई, आज वहां भी नहीं है उड़ाने। अबे नींद में है क्या? आज संडे है, सुमन आंटी अपने होम टाउन गई है यार, क्यों भूल जाता है? आज तो संडे है, भूल ही गया। और माँ भी नहीं है, यानी और 2-3 घंटे सो सकती है। बिल्कुल नहीं, माँ नहीं तो क्या हुआ, मौसी हो, चलो उठाओ। मीनो मौसी, फौरन उठो, 3 घंटी से पहले नीचे पहुंच जाओ, वरना 3 घंटी। अलका किचन में है और कविता गई है एरोबिक्स गई है। ये सब क्या है? पढ़िए, सब पता चल जाएगा। अब ये क्या है? आज से घर के नए कायदे कानून की लिस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है? नहीं, मेरी तरफ से आया है, मैं ही आपको समझाती हूँ। आज पहला दिन है इसीलिए कोई बात नहीं, लेकिन कल से घर का हर सदस्य ठीक 7 उठेगा। कल से घर में सत्संग परिवार का प्रोग्राम है क्या? ठीक 8 नहा धोके हर कोई नीचे आएगा डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए। अब ब्रेकफास्ट के लिए अब नहाना पड़ेगा क्या? जी, जो नहीं नहाएगा उसे नाश्ता नहीं मिलेगा। उसके बाद दिन में 1 लंच, 5 चाय और रात के 9 डिनर। मौसी जी, ये घर है या जेल? अजय, जेल में इतनी सुविधाएं नहीं मिलती। मिनू, ये सब क्या है? कल तक तुम ठीक थी, अब आज ये क्या हो गया? हाँ, कल तक सुमन दीदी घर में थी और मैं मेहमान थी, लेकिन आज से मैंने इस घर को संभाल लिया है। मैंने सुमन दीदी को वचन दिया है। तुमने सुमन को हमें सजा देने का वचन दिया है क्या? चिंतामणि, चाय लेकर आओ। चिंतामणि, तुमने अपना नाम बदल लिया क्या? नो सर, आज से हम वही करेगा जो मीनू मौसी कहेगी, बस। दाजी, चिंतामणि ने अपना नाम नहीं, अपना दल बदल दिया है। ना सर, वैसे भी आज संडे है, यू नो माय वीकली हॉलिडे। वीकली हॉलिडे? फिर खाना कौन पकाएगा? मैं, कविता और अलका मेरी देखरेख में। अच्छा ठीक है, तो हम लोग पिकनिक जाते हैं। नहीं, कोई पिकनिक विकनिक नहीं, तुम लोग घर की साफ सफाई करोगे। जाओ, जाओ अंदर। मौसी जी, जाते हो कि नहीं? अजय, एक भी जाला नहीं दिखना चाहिए। और रॉकी, जरा सी भी मिट्टी दिखाई दी ना तो देखना, काम चोर हो गया सब। जाला था, जाला। आप क्या कर रहे हो? सुपरविजन, सब पर नजर रख रहा हूँ। मैं हूँ ना, पता है ना मीनू, हम आपके है कौन? जीजू, आपको भी पता है ना हम आपकी बीवी के है कौन? लगाओ फोन। मेरा फोन है, मेरे दोस्त का फोन आने वाला था। ओह, मेरा भी फोन आने वाला था। मैं हूँ ना, जिसका भी फोन होगा उसे बात कराई जाएगी। अरे लेकिन आप फोन तो उठाइए, बिना फोन उठाए बात कैसे करेंगे आप? ऐसे करेंगे। को पता था? हाँ। हेलो, कौन? मैं अर्चना बोल रही हूँ, अजय है? अजय? अजय नहीं, अजय है, लेकिन कौन? अर्चना? अच्छा, भूल गए आज की पिक्चर का वादा?
पिक्चर कौन सी पिक्चर? मैंने जानता कोई पिक्चर, पता नहीं कौन हो आप। घुमा दिया ना अजय, मैं संजू बोल रहा हूँ। अरे यार वो पिक्चर के टिकट्स आ गए हैं, तू आ रहा है ना? नहीं अजय नहीं आ रहा है। मौसी लेकिन मैंने माँ को पूछा था, क्या क्यों नहीं? प्लीज मौसी। क्योंकि ऊपर के कमरों की सफाई बाकी है, हॉल की सफाई बाकी है, जाओ काम करो। नहीं नहीं मीनू मीनू, ये अन्याय है, थोड़ा ब्रेक तो चाहिए ना। सुबह से मैंने अखबार तक नहीं पढ़ा। कोई ब्रेक ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ मेरे लिए आधे घंटे का पेपर ब्रेक। जाओ काम करो। चलो पीछे मोड़ो, सीढ़ी सर, जाला निकल, जमीन सर। अजय आई एम टायर्ड यार, एक ग्लास पानी पिला दे प्लीज। यार पानी पीने की हिम्मत नहीं है, पिलाने की कौन से जुटाऊं यार। नहीं यार, इनसे अच्छी तो सू आंटी थी, कम से कम इतना काम तो नहीं करवाती थी। अब मुझे समझ में आया, माँ ने मीनू मौसी को हिटलर की माँ क्यों कहा। मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास है, देखो तो तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ। पिताजी देखने की भी हिम्मत नहीं है। रख दीजिए अंकल, बाद में कर देंगे। अरे मैं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाने की चीज लाया हूँ। तो तुम लोग यहाँ हो, काम खत्म हुआ? ठीक एक बजे लंच मिलेगा, ओके? मीनू मौसी, आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं, आप पहले किसी हॉस्टल की वार्डन थी क्या? नहीं नहीं, मैं तो हॉस्पिटल में मैट्रन थी। एक ही बात है। तभी क्या? कुछ तभी आप इतना सब कुछ टाइम पे करती हैं? करते नहीं, करवाती हैं। एक ही बात है। ठीक है जल्दी से काम करो, बाकी के बिस्किट्स बाद में खा सकते हो। बिस्किट्स? कौन से बिस्किट्स? मुझे सब पता है, चलो चिंतामणि। चलो माँ। एक बहन सब समझती है, दूसरी को सब पता है, भगवान हमारी क्या खता है। कुछ करना पड़ेगा हमसे। अब सुबह से जितना किया वो क्या काम है? नहीं नहीं, आई मीन इनका कुछ करना पड़ेगा। ये रॉकी तू प्लीज कुछ करना मत, नहीं तो अभी मैं आपको फोन जाएगा। हाँ फोन फोन। आइडिया, हम सुमन आंटी के नाम से मीनू मौसी को फोन करवाएंगे। उससे क्या होगा? अरे जो सुमन आंटी कहेंगी वो मीनू मौसी को मानना पड़ेगा। अरे पर सुमन, अरे पर सुमन के आवाज में किसी फोन करवाएंगे? अलका से। नहीं नहीं, अलका पकड़ी जाएगी। मेरा एक फ्रेंड है, दोस्त है, वो माँ के आवाज में फोन कर देगा। कौन? अरे वो मिमिक्री एक्सपर्ट संजू। ओहो ग्रेट। आई धीरे यार। देख संजू, ये मेरी नहीं तेरी इज्जत का भी सवाल है। करना क्या है? बस मेरी माँ बनना है। क्या? नहीं, मेरी माँ की आवाज निकालनी है। हाँ, और मीनू मौसी को फोन करके कहना है कि ये सख्ती और डिसिप्लिन बंद कर दे। हाँ सॉरी यार, ये मुझसे नहीं होगा। पर क्यों? नहीं यार, मैं तेरी हिटलर मौसी से पंगे नहीं ले सकता, सॉरी। हेलो हेलो, क्या हुआ? लगता है मौसी के चर्चे सारे शहर में फैल गए हैं, संजू ने मना कर दिया। अब क्या करें? झेलो माँ के आने तक। गुड हॉलिडे भी है। अरे चिंतामणि, ये सामान अंदर रख दो भाई। सॉरी सर, अपना छुट्टी। अरे चिंतामणि, तुम्हारी छुट्टी हो गई, लेकिन क्यों? हम भी इंसान है माँ, कोई मशीन तो नहीं ना, आखिर कब तक चलेगा ऐसा? ओह माय गॉड, लगता है इसने भाभी के साथ पंगा ले लिया और भाभी ने इसे निकाल दिया। ऐसे आदमी तो अच्छा था ये। अरे भाई कहाँ सब लोग? अरे लगता है कि सुने एक नई मेड रखी है। वाह। अरे ए भाई, आपकी तारीफ। अरे हमारी तारीफ भी जान जाओगी, पहले ये सामान अंदर रखो और एक गिलास पानी लेके आओ। हाँ, और मेरे लिए एक कप कॉफी जरा लाइट। हाँ। अरे वाह, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, मुंह उठाए चले आए और ऊपर से ऐसे ऑर्डर्स दे रहे हो जैसे कि घर के मालिक हो। मालिक नहीं तो क्या नौकर लगते हैं तुम्हें? जरा तमीज से बात करो, समझी? मुझे तमीज सिखाने वाले आप कौन हैं? मैं हूँ अश्विन सूद, हरियर सूद का छोटा भाई, और ये है मेरी बीवी शालिनी। ओह,
रॉकी और कविता के डैडी मम्मी। राइट। तभी तो बच्चे ऐसे हैं। क्या क्या मतलब? गैर जिम्मेदार और मुंह फट। हाउ डेयर यू, ये मत भूलो कि तुम इस घर में क्या हो, एक सर्वेंट हो और एक सर्वेंट की तरह बात करो। सर्वेंट? आपने मुझे सर्वेंट कहा? अच्छा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। अरे भाई साहब, आपने इस घर में कैसी मेड रखी है? अरे बहुत बदतमीज है, इसे निकाल दीजिए। नहीं नहीं अश्विन, इसे सुमन ने भेजा है, ये सुमन की सुमन की चॉइस हो या जो भी हो, इसे कुछ मैनर्स तो आने चाहिए ना। नहीं नहीं, ये पूना से आई है, ये सुमन की। अरे पूना से आई हो या पटियाला से आई हो, है तो बदतमीज ना, निकाल दीजिए इसे। राइट। अरे ये सर्वेंट नहीं है। अरे नौकरानी नहीं तो क्या है फिर? ये सुमन की पूना वाली मौसी की बेटी मीनू है, मेरी साली। रॉकी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे भी बहुत याद आ रही है। पर तेरी माँ तो आ गई ना? अरे डफर, मैं अपनी नहीं तेरी मॉम की बात कर रहा हूँ यार। वो हमारा कितना ध्यान रखती थी यार। हाँ यार, सब चीजें हाथ में मिलती थी, कभी इतना ना काम नहीं करवाया। माँ, हाँ, तू कितनी अच्छी है। चल हट। तू कितनी प्यारी है। क्या कर रहा? भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ। सब समझती हूँ, तेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई होगी, है ना, इसीलिए माँ की इतना मस्का मार रहा है। माँ, आपने मुझे इतना गिरा हुआ समझा है? मैं तो ये गाना दिल से गा रहा था। ठीक है माँ, एक बात बताइए। हाँ। आपको क्या पसंद है? आपका ये बेटा आपके कदमों में ला के रख देगा। अरे पहले अपने कदम पे खड़ा तो हो जा, फिर मैं बताऊंगी मुझे क्या पसंद है। अरे रो मत मेरे बेटा, मेरी चंदा, मेरे सूरज, नहीं तो मैं तुझसे वो नहीं मांग पाऊंगी जो मांगना चाहती हूँ। आप है कौन? छोड़िए मेरे बेटे का कान। दीजिए 50,000, तब छोड़ूंगा कान। अगर हमारा बच्चा यूं काम करता रहा तो हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। प्रभु, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे क्षमा कर दीजिए, किसी तरह हमको बचा लीजिए, इसकी नौकरी छुड़वा दीजिए। आओ मेरा नाश्ता। ये लो जी, गरम गरम मूली का पराठा उतारा है। अच्छा बता, कल मैंने तुझे 100 रुपए दिए थे, उसका क्या हुआ? कितने बचे? माँ कितनी अच्छी है। कितने बचे बताओ? 50 रुपए। 50 रुपए खर्च डाले तूने? नहीं 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 माँ, 50 रुपए बचे हैं। ला निकाल निकाल 50 रुपए। माँ वो कॉलेज के लिए चाहिए ना मुझे। कॉलेज के बहाने बहुत पैसा उड़ा रहा है तू, निकाल। मेरा लाल, मेरा बेटा। हेलो हेलो माँ, माँ हम आप ही की बात कर रहे थे। जी माँ, आप कैसी हैं? हाँ हम ठीक हैं बिल्कुल। इडियट, ये ठीक है? ये ठीक लग रहा मैं? तू? नहीं माँ, हम बिल्कुल ठीक नहीं, हमारी हालत बहुत खराब है। वो मीनू मौसी है ना? है ना, मीनू मौसी है ना, बहुत अच्छी है, हमारा बहुत ख्याल रखती है। हाँ किसका फोन है? सुमन आंटी का, संजू का। हाँ? ना, माँ का फोन है कसम से। मुझे सब पता है, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, ये सुमन जो कहेगी उसका बिल्कुल उलट ही मैं करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आप वचन देती हैं? हाँ। फोन। हेलो संजू, मैं जानती हूँ कौन सी सुमन बोल रही है। सुमन? हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने लगाम खींच कर ही रखा है, तुम अपना काम करके आना। नमस्ते। क्या कहा माँ ने? माँ ने कहा लगाम खींच के रखना, किसी को कोई छूट मत देना, समझे? ऐसा कहा माँ ने, अब आप क्या कहेंगी? वही जो तुम्हारी माँ कहेगी। अभी आपने प्रॉमिस किया था जो सुमन आंटी कहेंगी आप उसको ऑपोजिट करेंगी, अब आप बदल रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। जी जी मौसी, आप वचन तोड़ रही है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सेम है। मैंने कोई वचन नहीं दिया है। मौसी जी आप वचन तोड़ रही है, आप धर्म तोड़ रही है, आपको पाप लगेगा मौसी जी। वो आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? टोटल फ्रीडम। मतलब सिर्फ आजादी? हाँ, नो हुकूमत, फिर सिर्फ प्यार और मोहब्बत। ओनली लव मौसी जी, प्लीज मान जाइए ना। ठीक है। प्रॉमिस प्रॉमिस। आप वचन देती हैं? प्राण जाए पर वचन न जाए। भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा, भाभी की कर्ज ना तो क्या हुआ, कुछ भी करेगी क्या? सुमन भी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, मेरा सारा दिन सुपरविजन में गुजर गया और चिंतामणि आराम से हॉलीडे लेकर पिक्चर देखने चला गया। अरे भाई साहब, उसने मेरे बच्चों से भी काम करवाया। हाउ डेयर शी? मेरे कुछ ना करना पड़ेगा। क्या हुआ पिताजी? सोचने के लिए आपका ये होनहार बेटा है ना? रॉकी भी है? हाँ। अरे होनहारो, ऐसा किया क्या है जो इतना खुश हो रहे हो? अंकल अब सारे मैटर सेटल हो चुके हैं, लेट्स एंजॉय ना। क्यों, क्या हुआ, मीनू चली गई क्या? नहीं चाची जी, हमने है ना उनको उन्हीं के वचन में बांध दिया। मतलब?
आज से मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं भी जीवन का आनंद उठाऊंगी आप लोगों के साथ। आज से इस घर में कोई कायदे कानून नहीं होंगे। सच? जी हाँ जीजा जी। अरे रॉकी वो क्या कहते हैं, God of freedom! हाँ, God of freedom! Tired. Good morning, Harry Bhai Saab. Good morning, good morning. Harry Bhai Saab, हमको भी तो कुछ टिप्स दीजिए ना योगा पे, कुछ स्टेप्स दिखाइए। अरे भाई स्टेप्स नहीं आसन, और तुम सीख कर क्या करोगी? तुम्हारा वो है ना एरोबिक्स, वो करो ना, ये हिंदुस्तानी चीज है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, अब तो शालिनी बिल्कुल हिंदुस्तानी हो गई है। आपको याद है पहले ये वो कैंड फूड खाती थी गर्म करके, तो आप क्या करती है ठंडा ही खा लेती है? नहीं नहीं हैरी भाई साहब, अब मैं सब इंडियन डिशेस को कर सकती हूँ, लाइक व्हाट यू कॉल इट, करेला फ्राइड। अरे करेला नहीं, करेला करेला। हाँ, एंड दैट मसूर दाल। मसूर नहीं, मसूर की दाल, मसूर। आश डालिंग, नाम में क्या है, अब मैं सब बना सकती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अरे किसी दिन बनाकर खिलाओ ना। sure. अभी तो देखिए इंडियन फूड विद अमेरिकन टच। श्योर। फिलहाल तो आप अमेरिकन डिश को इंडियन टच के साथ देखिए। अरे ये क्या? कोल्ड टी। कोल्ड टी। आप अमेरिकन लोग कोल्ड कॉफी पीते हो ना, ये कोल्ड टी है, सवेरे मैंने फ्रिज में रख दी थी। अच्छा, अब ले जाओ और इसे डिफ्रॉस्ट कर दो। ओके। चिंतामणि आया जी, आया। नाश्ते में क्या बनाया? अभी तक तो कुछ नहीं बनाया जी। क्यों चिंतामणि, आज भी तुम्हारी वो साप्ताहिक छुट्टी है क्या? छुट्टी? अरे नो हॉलीडे अम्मा। वो क्या है अम्मा कि तुम लोग बोलो क्या खाने का, अभी हम बना के लाएगा ना। अपनी तो पूरी भाजी बॉस। जी सैंडविचेस। जब से माँ गई है ना तब से मैंने आलू पराठे की शक्ल तक नहीं देखी। अम्मा तीन तीन ब्रेकफास्ट जी, मैं अकेला कैसे? इडियट, खाना नहीं है खिलाना है। जब से ये मीनू मौसी आई है ना तब से ये चिंतामणि के रंग ही बदल गए हैं। हाँ, हमेशा उनके आगे पीछे ही घूमता रहता है। तुम जाओ, तुम खाना ले आओ। नो नो सॉरी, पहले तुम डिसाइड करो क्या खाने का, फिर हम बना के लाएगा। सैंडविचेस। पूरी भाजी, आलू पराठे। नहीं, किसी को कोई फैसला करने की जरूरत नहीं है। चिंतामणि तुम अंदर जाओ। ठीक है अम्मा। मैं नाश्ता बनाकर लाई हूँ, यही खाओ। थैंक्स। क्या बना है? कॉर्नफ्लेक्स और नूडल। क्या? हाँ, कैलोरी और फैट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये नाश्ता बनाया है। क्यों रॉकी, अमेरिका में लोग यही खाते हैं ना? मुझे सब पता है। क्या बात है, खाए? चुपचाप नाश्ता करो। जरूर खाओ भाई, खाओ, सब खाओ। मीनू ये सब क्या है? क्या सुबह कोल्ड टी, बाद में कॉर्नफ्लेक्स, ये क्या चल रहा है सब? अमेरिका। अमेरिका? मैं अमेरिका जाने की तैयारी कर रही हूँ। देखो मीनू, अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना है तो तुम वापस पुणे चले जाओ, लेकिन ये अमेरिका अमेरिका का पागलपन छोड़ दो। जो बात मैं एक बार तय करती हूँ वो मैं करके रहती हूँ, और मैंने अमेरिका के किसी अस्पताल में काम करने का फैसला कर लिया, सो मैं करके रहूंगी। लेकिन तुम्हें वहाँ नौकरी देगा कौन? जीजा जी, मैंने एक एजेंट से बातचीत कर ली है, अमेरिका में उसकी सेटिंग है। सेटिंग? हाँ। लेकिन तुम वहाँ क्या कैसे करोगी, मैनेज कैसे करोगी? मैं पश्चिमी तौर तरीके सीख रही हूँ जीजा जी, पश्चिमी खाना बोलना रहना सहना, और हाँ पश्चिमी नाच भी सीख रही हूँ। दिखाओ, एक मिनट।